गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि आलमी सियासतदान पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहते हैं। दुनिया पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे रही है। गुज़श्ता 3 महीनों में श्रीलंका, बांग्लादेशी क्रिकेट टीमें और उमान की हॉकी टीम पाकिस्तान आई हैं। चौधरी सरवर ने कहा कि भारतीय मुतनाज़े शहरियत बिल के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद पर अगले हफ्ते वोटिंग होगी। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करता हूँ, बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ यू नो इंटरनेशनल लीडर्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिशियन, और एक बात जो अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी हैरानी से अप्रिशिएट करते हैं कि आपने दहशत गर्दी का 3 सालों में खात्मा कैसे कर दिया। अल्लाह के फजल व करम से हमने दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया है, और अब तमाम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और तमाम दुनिया के मुल्क पाकिस्तान को सेफ और सिक्योर मुल्क करार दे रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 महीनों में जितने इंटरनेशनल डेलीगेशन लाहौर में आए हैं, कम से कम पिछले 3 सालों में 4 सालों में नहीं मिले। कभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आ रही है, श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहां पर आ रही है, अम्मान की हॉकी टीम यहां पर आ रही है। कहता हूं कि ना सिर्फ इंडिया के मुसलमान जो हैं इस डिस्क्रिमिनेटरी रेसिस्ट एंड फासिस्ट बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, बल्कि वहां के हिंदू सिख जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, इक्वालिटी के बिलीव करते हैं, वो भी खड़े हो गए।